स्पीकिंग लैंग्वेज अच्छी निकाली। तमारे कितना वर्ष में एक्सपीरियंस है म्यूजिक में? 12 वर्ष में। अने कितना शो करे हैं सर क्या सुनी? 5,000-10,000 हजार पर 1,000 प्लस शोस। चलो स्टार्ट करिए। ओपनिंग लाइन कोई सारी आप ही पढ़ से यार, मैं अभी विचार नहीं था, पहले नक्की करिए क्या बराबर है। रुक जाइए, डोंट स्क्रॉल डाउन, ये कोई मोटिवेशनल शो नहीं है, ये है मस्ती वाला शो विथ मी जयलीला वाला। आज जो फर्स्ट एपिसोड है हमारा, जिसमें जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने 1,000+ लाइव शोज किए हुए हैं और सूरत के जाने माने सिंगर हैं। लेट्स वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज धवल, जैक ऑफ ऑल। धवल वेलकम। थैंक्स अ लॉट ब्रो, व्हाट्स अप। ग्रेट धवल, आपने 1,000+ शोज किए हैं, राइट? सो आप कहाँ कहाँ घूमे हैं अब तक? वैसे तो घूमा तो घर के आसपास हूँ, मगर पूरे इंडिया में अगर घूमने की बात करो तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट मैंने कवर किए। इंडिया के बाहर भी शो किए, नेपाल, थाईलैंड, बट मैंने काफ़ी मैक्सिमम शोज हैदराबाद और साउथ इंडिया में, बिकॉज आई लव साउथ इंडिया, सो देयर इज माई फोर्ट। ग्रेट। आप सूरती? हाँ, बेसिकली पूछ तो लेते ही है कोई कैसे भी करके, यू नो सरनेम कैसे, बट या आई कॉल माई सेल्फ सूरती। सूरत, सूरत के कौन कौन से, अगर मैं आपको दो तीन एरिया के नाम पूछूँ तो आप बता पाएंगे एरिया कहाँ पे? आप मुझे बताइए कि कादरसानी ना, ओके, नानपुरा से थोड़ा आगे जाओ, कहाँ एग्जैक्ट बताओ? ये आप डोटी वाला से, वो आया कहाँ, डोटी वाला कहाँ है वो बताओ? चौक के आगे, चौक का जो सर्कल है वहाँ से कहाँ जाना है? चौक से आप डोटी वाला बेकरी तरफ जाओ, वहाँ से यू टेक लेफ्ट टुवर्ड चित्रपाल मंदिर, दैट द होल एरिया जो पूरा वो अभी मेट्रो का काम चल रहा है, दैट इज कादरसानी ना। क्या बात है भाई। रू वाला टेकड़ा कहाँ पे? जहाँ पे अलबेला कोको वाला है, कोको वाला अलबेला कोको एग्जैक्टली कहाँ पे? सो दैट इज नियर लालगेट, लालगेट से थोड़ा आगे। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ वहीं पे कहीं पे मम्मी के साथ जाया करता था, आई नो आई मेकिंग द मिस्टेक। या चलो मैं आपको बता रहा हूँ, बागल का जो चार रास्ता है जहाँ लोग जमा होते हैं हर बार, जैसे अभी कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, ओके, तो वहां से जो फर्स्ट लेफ्ट टर्न आता है दैट इज व्हाट वी कॉल रूवाड़ा टेकड़ा। चलो यार, चलो बट देन आपको एटलीस्ट दो में से आपने एक सवाल सही है। चलो वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, वेयर इज जाफा बाजार? क्लॉक जो है, बड़ी सी घड़ी जो है, हाँ ठीक है, वहां के उसके अंदर चले जाओ, वो जाफा बाजार हो गया। क्या बात है, देख लीजिए ऑडियंस, धवल भाई वैसे पूरा इंडिया घूमे हैं म्यूजिक को लेके, लेकिन सूरत का पूरा नॉलेज है। सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? जो भी मिल जाए जब भूख लगी हो। और सूरत का कौन सा आपका फेवरेट फूड है? कुछ नहीं, मुझे सूरत में कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या बात करते हैं। तो संडे मॉर्निंग ऐसे आप खड़े होकर क्या सोचते हो कि आज लोचा खा ले या पापड़ा खा ले? नहीं, मैं देखता हूँ लोग अच्छे से मस्त चश्मे लगाते हैं, बस बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के चलू में जाएंगे, फिर बाद में वो जा करके वो जानी बर्तन पर जो लोग खाने के लिए तैयार हो गए जाते हैं। हो सकता है, मगर मैंने वो दही देखे, वो तैयार हुए लोग पसीने में ऐसे ऐसे करके वो लाइन में खड़े होते हो, भीख मांगते हो, जैसे अपने खुद ही पहले तो भीख मांग के खाएंगे। बट या सूरत सूरती फूड इज सो टेम्पटिंग, बट अगर मुझे पूछो वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है, मगर वो सूरत का नहीं है, लोचा मैं इतना खाता नहीं हूँ, बट या दूसरों के मुंह से सुना है सूरत के फूड काफी। बाहर जहाँ भी जाते हैं हम सूरत से तो पहले यही बोलते हैं, बिकॉज आई हैव नेवर स्टेड इन सूरत फॉर सो लॉन्ग टाइम, मैं हमेशा बाहर बाहर ही घूमता रहता था। तो यू नेवर मिस सूरती फूड? नहीं। अरे यार, ये पहले हमारे गेस्ट होंगे जिन्होंने सूरती फूड मिस नहीं किया हो। यहाँ सूरत से कामरेज जाते हैं तो हम लोग सूरत का फूड, आई एम वेरी फूडी। मैं वो मुझे बहुत सारी जगह मालूम, सूरत के एसेंशियल वो बिहारी समोसा मिलता है वहाँ पे कहीं पे, और वरासा में कोई महालक्ष्मी वाला जो उसके थमन बहुत अच्छे, बट आई एम नॉट समवन के भाई वो उसको मैं जहाँ से भी जो मिल जाए, पेट भरना है माय बेसिक कॉन्सेप्ट, पेट भर के म्यूजिक पे काम कर, ग्रेट है। कोई चाहिए चाहिए पे भी मेरा ध्यान नहीं है, माय फोकस ऑनली म्यूजिक। क्या बात है। चलिए यहाँ हमारा पहला राउंड खत्म होता है, दूसरा राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है सूरती होती। तो मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, उससे आपको इमीडिएटली एक स्टेटमेंट बनाना, ठीक है?
तो पहला जो वर्ड है वो है तारी मासी ने। तारी मासी ने मारा प्रणाम। वेरी क्विक। अनदर वन। अच्छा गुस्से में किसी को बोलना हो तारी मासी ने तो कैसे बोलेंगे? तारी मासी मुझे गुस्सा इतना आता नहीं है, so I can't describe it. अच्छा आप किसी को लव से बोलना हो, जैसे आपकी वाइफ को, तारी वाइफ, आपको वाइफ को बोलना कैसे बोलेंगे? चलो वेरी क्विक, लेट मी गिव यू अनदर फ्रेज कॉल काई ना गटे। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं पता। Because you have never been, I mean, you were not in Surat for a while. Okay, काई ना गटे, that means you know, बद्दुच चा। हाँ, we are loaded, everything, yes. थर्ड राउंड जो है वो है सूरती गाने का। गाने आपको आपको मैं लाइन दे देता हूँ, आपको वो गाना जो है उसमें वर्ड को रिप्लेस करना। चल छैया छैया गाना तो आपने सुना ही होगा, उसकी जगह आपको गाना है खाओ फाफड़ा फाफड़ा। दो लाइन आपको गाने हैं, खाओ फाफड़ा फाफड़ा क्विकली दो वाले। खाओ फाफड़ा 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 खाओ फाफड़ा 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 फाफड़ा। ओ यार मेरे दिमाग में वही ओरिजिनल लाइन ही आ रही है। चलो ग्रेट, यहाँ थर्ड राउंड भी हमारा खत्म होता है। चौथे राउंड की तरफ चलते हैं जो है सूरती सिचुएशन। सो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, वो एक सूरती सिचुएशन है। आप अगर वहाँ पे वो सिचुएशन में है तो आप क्या करोगे, व्हाट इज योर इमीडिएट रिएक्शन टू इट। सो पहली सिचुएशन है, आप किसी शादी में गए बिकॉज आप परफॉर्मर है। लेट्स अज्यूम दैट वहाँ पे जो परफॉर्मर है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा और पता है लोगों को भाई धवल तो है ही अपना घर का। तो आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस करी है, या आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि नहीं धवल तुम्हारे तो जऊज पड़ता है गाऊज पड़ता है, व्हाट यू विल डू? सिंगर के बाद हमेशा एक बहाना होता है मेरा घर खराब। पहली बात तो ये कि कभी कोई सिंगर जो स्टेज पे होता है तो आई डोंट गो, एंड अगर लोग बोलेंगे भी तो एक सिंगर की और मेरी आंखों में बातें हो जाएगी भाई ओके नहीं आवाज। वो उसके वो मैं दूसरे सिंगर के मूड के ऊपर देखता हूँ, ही इज अलाउइंग मी, क्योंकि मैं अगर वो परफॉर्म कर रहा हूँ अगर मैंने उससे अच्छा गा लिया तो उसका जो, क्योंकि वो स्टेज अभी उसका है, पंडाल लगा हुआ है या फिर घर वाले से वैसे ही। अच्छा आप नहीं गाते? नहीं, दोस्त दोस्त यार बैठे हुए हैं दारू पार्टी कर रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि सही में कितने लोग सुन रहे हैं। अच्छा ओके। क्योंकि कई फंक्शन ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज बुरा होता है कोई पब्लिक बुरी होती है, मगर मैं ये नोटिस करता हूँ कि सही में वो जो लोग है वो किस तरह के है ऑडियंस के अंदर, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर कि भाई अगर मैं गाना गा रहा हूँ एंटरटेन कर रहा हूँ तो लोग एंटरटेन होने चाहिए सही। मैं ऐसा नहीं कि भाई अपना दोस्त ऐसा नहीं, अपना एक ये है कि भाई सबको मजा आना चाहिए। मैं ये नोट्स पर आई जनरली ट्राई कि मैं सबको इन्वॉल्व करूं। ग्रेट यार दवाल, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और यहाँ हम लोग चलते हैं आखिरी राउंड, पांचवा राउंड जो है लाइव परफॉर्मेंस का राउंड। मैं राउंड का नाम भूल गया। और ये शो का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जैसा हमारा गेस्ट होगा उनको वैसे ही कुछ परफॉर्म करना होगा हमारे लिए, बट इन अ फनी वे, नॉट जस्ट अ कैजुअल वे, बिकॉज ये मोटिवेशन शो नहीं है। सो बिकॉज धवल इज अ परफॉर्मर, धवल कुछ आप क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं या मेरा गला खराब है? सही बात है, बट लोग सही में आपसे सुनना चाहते हैं। मे बी दो लाइन जो आपकी सबसे फेवरेट हो, जो आप ऑडियंस को सही में वो दो लाइन ही गा के इम्प्रेस कर सकते। एक गाना है जो मेरा बहुत ही फेवरेट, मैं हर शो में एंड में वही गाता हूँ। कबीर कैफे एक बैंड है, दे सिंग ऑलमोस्ट संत कबीर दोहा, राइट? वेरी बिग फैन ऑफ दैट। सो
माया का है काज, काज बिन पाया नहीं जाता। यूं कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। करे सतनाम जगिए झूठा झमेला, झूठा झमेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। ये गाना सुन क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 5 राउंड खत्म हो रहे और आई होप कि आपको धवल के साथ का हमारी ये कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले कुछ एपिसोड मज़ेदार रहेंगे ऐसे ही। आप जाइए यूट्यूब पे, धवल का चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी धवल आपको मिल जाएंगे, उनकी लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। गो विजिट हिम एंड फॉलो हिम राइट अवे। सो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में विथ मी जयलीला वाला ऑन द मस्ती वाला शो। थैंक यू सो मच, बाय, सी या। कितना टाइम।